भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया संकल्प शिविर हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में आयोजित किया गया था। इस पृष्ठभूमि में प्रदेश कांग्रेस ने खेमे में की गई घोषणाओं को क्रियान्वित करने के लिए कार्यकारिणी समिति की बैठक बुलाई। मौजूदा समय में विपक्ष के लगातार दुष्प्रचार और तीखी आलोचना के साथ ही भय का माहौल बनने से कांग्रेस पार्टी थोड़ा उदास महसूस कर रही है। इससे छुटकारा पाने के लिए और इस तरह पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं में उत्साहजनक माहौल बनाने के लिए शाम 6 बजे कविवर्य सुरेश भट्ट हॉल रेशिमबाग यहां सभा आयोजित की गई थी। कांग्रेस पार्टी की सभा हाल ही में सम्पन्न हुई है। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज जी चव्हाण, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मुख्य अतिथि थे। लोक नेता रंजीत बाबू देशमुख 29 मई 2021 को 75 साल के हो गए। कोरोना संकट के कारण आयोजन समिति कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रही थी। अब जबकि सभी प्रतिबंधों में ढील दी गई है, कार्यकर्ताओं, समर्थकों और प्रशंसकों के आग्रह पर रैली का आयोजन किया गया। यह आयोजन कायाकल्प करने, प्रेरित करने और सभी को एक साथ लाने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। कोरोना संकट के 2 साल बाद और उससे पहले भी राजधानी नागपुर में कोई बड़ा पार्टी कार्यक्रम नहीं हुआ था। यह पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे आने वाली चुनौतियों, आने वाले चुनाव के लिए तैयार करने का एक प्रयास है। वीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ वैदेही चव्हाण की रिपोर्ट। हरायचं नाही, लढत राहायचं, संघर्ष करायचा आणि जिद्द त्या ठिकाणी सातत्यानं बांधून ठेवायची आणि जिद्द जर आपण ठेवली तर कोणीही आपल्या समोर चुकतं, काहीही चुकतं आणि निसर्गही चुकतं हे आपण रंजित काकांच्या रूपामध्ये इथं बघितलेलं आहे।